नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चने की ऐसी चटपटी एकदम मज़ेदार सलोनी की रेसिपी। न आपको फ्राई करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत है। एकदम फटाफट 10 से 15 मिनट में ये आपका चना का सलोनी बनके तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाएगा, एकदम शॉर्टकट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है 250 ग्राम मैंने ले लिया है चना, अच्छे से भिगा करके इसको ले लिया है। इसको मैंने धो करके अच्छे से साफ भी कर लिया है। अब यहाँ मैं कुकर में सारे चने को डाल दूँगी। मैं एक नई रेसिपी से इसको बनाने वाली हूँ जो कि आपका समय बहुत ही बचेगा इस तरह से बनाने से। यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज लिया था, उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ कट करके। यहाँ मैंने हल्दी डाल दिया है 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। अब यहाँ मैं डाल देती हूँ सौंफ का पाउडर, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 से 1.5 चम्मच इसमें सौंफ पाउडर डाल दी हूँ। इसमें 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देने का है इसमें। अब यहाँ 1/2 चम्मच मैंने खड़ा जीरा डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल दिया है और 2 से 3 यहाँ हरा कटा हुआ मिर्च डाल दिया है मैंने। चाट मसाला डाल दिया है 1/4 चम्मच। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, 3 से 4 ग्लास इसमें डालना है। चने के ऊपर तक पानी रहना चाहिए ताकि जब हम चना को पकाएं तो पानी की कमी ना पड़े। तो पानी एकदम अच्छे से डालना है। अब इसको हम 5 से 6 सीटी हम इसको लगाएंगे कुकर में। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, सीटी निकलने के बाद मैं इसको चेक करके ले लेती हूँ। आप देख सकते हैं चना बिल्कुल पक चुका है, लेकिन अभी पानी इसमें अभी है तो इसको मैं खुला ही बिना सीटी लगाई अच्छे से 6 से 7 मिनट तक गैस का फ्लेम फास्ट करके पकाऊंगी ताकि एकदम अच्छे से ग्रेवी हो जाए। आप देख सकते हैं एकदम ये ग्रेवी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें मैं लास्ट में डालूँगी 1 चम्मच गुड़। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें या आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सीक्रेट है। मैं इसमें चीनी या गुड़ ज़रूर डालती हूँ। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ 2 ग्लास पानी। अब इसमें मैं डाल दूँगी कम लगभग 100 ग्राम गुड़ को मैंने अच्छे से बारीक करके ले लिया था, इसमें डाल दूँगी। 1 से 2 चम्मच मैंने नींबू का रस निकाल के दिया था, वो भी डाल देती हूँ। अच्छे से इसको मैं घोल करके लेती हूँ ताकि पूरा गुड़ अच्छे से इसमें घुल जाए। हम लोग बचपन में जब गांव में इस तरह से गुड़ का शरबत बना करके और चने के सलोनी के साथ हम लोग खाते थे। तो आज मैंने जो रेसिपी बनाई है मेरी बचपन की रेसिपी है, मुझे बचपन का याद आ गया इस रेसिपी को देख के। तो अभी ये मेरा चना का सलोनी बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स। मैं इसको एक बर्तन में निकाल करके ले लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी इतना फटाफट बनके तैयार हो गया। अब इसके ऊपर से मैं कच्चा प्याज थोड़ा सा इस तरह से डाल दूँगी और हरा धनिया मैंने कट करके रखा था वो भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही डाल दिया था चाट मसाला। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। अगर इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना तो आपका चने का सलोनी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास समय न रहे तो आप फटाफट इस तरह से बना करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने फ्राई नहीं किया, इसको तड़का नहीं लगाया, एकदम उसी मतलब उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं ग्लास में जो नींबू कटा हुआ रखा था डाल दूँगी और आइस क्यूब डाल देती हूँ। अभी मैंने शरबत बना करके रखा था वो भी इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ ये शरबत के साथ ये चने का सलोनी बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोग बचपन में जब खाते थे तो हम लोग को बहुत ही टेस्टी लगता था, हम लोग बहुत अच्छे से इसको बहुत ही मन से खाते थे। तो आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा
ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।